तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे स्वामी, हम आपके आराधना करते हैं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, हे देखता छेड़े जंका, हे देखता छेड़े जंका, तेरी आराधना है मधुर्गी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद मेरे स्वामी, हम आपकी आराधना करते, हम अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु की उपस्थिति इस बीच हमारे बीच में है, हम अपने हृदय को तैयार करें उसके दर्शन के लिए। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परम पवित्र संस्कार में सदा सर्वदा प्रभु यीशु की स्तुति हो, महिमा हो, आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में सदा
सर्वदा प्रभु यीशु की स्तुति हो महिमा हो आराधना हो परम पवित्र संस्कार में सदा परम पावन संस्कार में उपस्थित मेरे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। आपको धन्य कहते हैं प्रभु हमें इस समय प्रदान करने के लिए और हमें आपके चरणों के नीचे इकट्ठे करने के लिए। प्रभु हमें आपको हमारे प्रभुवर और मसीहा कहकर पुकारने का मौका आपने हमें प्रदान किया है। हम अयोग्य हैं, पापी हैं, इस पावन मंदिर में उपस्थित होने तक योग्यता हम किसी में भी नहीं है। प्रभु हम सबों के ऊपर आपने अपनी करुणा दृष्टि डाली है, अपने दया हम सबों के ऊपर बरसाई है। इस करके प्रभु हम यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। प्रभु पूरे दिल से और मन से आपको धन्यवाद आपकी इस असीम प्यार और दया के लिए। प्रभु जी हम आपके मदद मांगते हैं इस कुछ पल के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। आपके उपस्थिति में रहकर आपकी स्तुति और आराधना में भाग लेने का सुअवसर आपने प्रदान किया है। हमें आपकी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम सबों के ऊपर अपनी आत्मा की वर्षा कर ताकि हम सब के सब इस जो कुछ पल हम आपके साथ बिताने जा रहे हैं पूरे मन से लगन से पूरे ध्यान आपके ऊपर केंद्रित करते हुए हम इस समय बिताएं। आइए हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबों के ऊपर मांगते हुए पवित्र आत्मा के आदर पर गीत गाएं। पावन आत्मा आ जा मेरे शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आ जा दिल में मेरे शांति मुझे दे दे। बरसा दे शांति तेरी बरसा दे मुक्ति तेरी बरसा दे शांति तेरी बरसा दे मुक्ति तेरी। पावन आत्मा आ जा दिल में
पवन आत्मा आजा दिल में मेरे, खुशियाँ मुझे दे दे, बरसा दे प्रेम का दान, बरसा दे खुशियाँ पार, बरसा दे प्रेम का दान, बरसा दे खुशियाँ पार, पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, करुणा कृपा दे दे, पावन आत्मा सादे करुण कृपा, बरसा दे अपनी दया, बरसा दे करुण कृपा, बरसा दे अपनी कृपा, पावन आत्मा मुझे दे दे, पवन आत्मा आजा दिल में मेरे, अपनी दया दे दे। संत योहन के सुसमाचार द्वारा प्रभु आप हम सब से कहते हैं, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाए वह सदा जीवित रहेगा। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाए वह सदा जीवित रहेगा। प्रभु जी, इस पावन संस्कार परम यूकरिस्त संस्कार हमें प्रदान करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं, उसी की निशान है इस पावन संस्कार। जिस तरह वजन में आपने हमें बताया कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाए वह सदा जीवित रहेगा। इस यूकरिस्त में ही प्रभु हमारा जीवन है। आप में ही प्रभु हमारा उद्धार है। प्रभु आप हर समय हमें अपने शरीर और रक्त देकर पोषित करते हैं।
ताकि इस दुनिया में हम हर एक आपके साक्षी बन सके। प्रभु, आप इस संस्कार द्वारा हमें आशीष देते हैं, अनगिनत वरदानों से आप हमें भर देते हैं प्रभु, और जितने भी वरदान प्रभु आपने हम सब हमारे जीवन में बरसाई है, उन सबों के लिए पूरे दिल से मन से धन्यवाद देते हैं। अनगिनत है प्रभु आपका वरदान, हर क्षण हर पल आपका ही दान है। अगर हम सही सलामत सुरक्षित एक जगह पर हैं, यह आपकी कृपा है। कितने ही वरदान, अनगिनत वरदानों से आपने हमें भरा है, बहुत सारे दुर्घटना से बचा के रखा है, बीमारियों से मुक्त कराकर हमें सुरक्षित रखा है, और हम अपने जो भी भाई बहन हमारे साथ रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, उन सबों को आपको आपने सुरक्षित रखा है। हमारे कामकाज में आपने हाथ बढ़ाया है, पढ़ाई में हमारे बुद्धि का विकास आपने किया है, इस तरह बहुत सारे अनगिनत वरदानों से आपने हमें भरा है। प्रभु, इस समय इस पल हम पूरे मन से दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। मुख के बल गिरते हुए प्रभु, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए पूरे मन और दिल से धन्यवाद देते हैं। आप ही हमारा सब कुछ है। इस करके मेरे भाई और बहनों, आइए हम पूरे विश्वास के साथ हम इस करुणा की माला में भाग ले। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज क्षमा दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुआरी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अर्धलोक में उतरे, वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सभागीता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाती हूँ। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा
हमारा, हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर,
हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है, हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन।
नाम की जय जयकार करूं, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, त्रित्व नाम की जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार, त्रित्व नाम की जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्व नाम की जय जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार, पूजा आराधना करते यहाँ का
भावना पूरी हो मन की यहाँ पूजा आराधना करते यहाँ भावना पूरी हो मन की यहाँ आशाएं लेकर आए शीश बिंदे जाए कहा वंदे 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 वंदंतरा प्रभु बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु मिलकर बाटे यहाँ बंधन द्वेष के काटे यहाँ सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ बंधन द्वेष के काटे यहाँ छोटा न कोई बड़ा है यहाँ छोटा न कोई बड़ा है यहाँ भूले सभी वेद भाव यहाँ वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ प्रिय भाई बहनों बच्चे जो आज होली फैमिली चर्च जीरकपुर में उपस्थित हैं इस समय आराधना के बाद हम मिस्सा में हैं और आप लोग सभी भाई बहन बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब में इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं हाँ हम लोग आत्मिक रूप से प्रभु के साथ हैं क्योंकि जहाँ दो या तीन उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं प्रभु यीशु ने कहा मैं उनके पास मैं उनके बीच में हूँ आज कलीसिया क्रिस्त का शरीर और रक्त का पर्व मना रही है इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों प्यारे बच्चे हम आज यहाँ पर आए हैं आज के मिस्सा बलिदान में बड़ी श्रद्धा और विनम्रता के साथ हम आए हैं बड़े पश्चाताप और भक्ति के साथ हम आए हैं क्योंकि हम बड़ी शुद्धता और विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं हाथ जुड़े हुए थोड़ी समय पहले हमने डिवाइन मर्सी का प्रेयर किया है दया सागर प्रभु यीशु घुटने टेकते हुए हाथ जोड़ते हुए उन्हें देखते हुए इस परम प्रसाद में और
हम दृढ़ संकल्प और अच्छी नियत के साथ हम यीशु को ग्रहण करेंगे हम लोग। तो आइए हम अपनी मुक्ति के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा प्रभु की महिमा स्वर्ग में महिमा चाहे। महिमा प्रभु की महिमा स्वर्ग में महिमा चाहे। शांति प्रभु की शांति जग में सृजन पाए। शांति प्रभु की शांति जग में सृजन पाए। महिमा प्रभु की महिमा स्वर्ग में महिमा छाए। Thank you.
तेरी आराधना करते हैं हम, धन्य हृदय से कहते हैं हम, तेरी आराधना करते हैं हम, धन्य हृदय से कहते हैं हम। प्रभु पिता परमेश्वर कर दया तू हम पर, प्रभु पिता परमेश्वर कर दया तू हम पर। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर्ग में महिमा छाए। विराजता है तू पावन है, विनती सुन ले। पिता के दाएं विराजता है तू पावन है, विनती सुन ले। पावन आत्मा के संग पिता की महिमा में है, पावन आत्मा के संग पिता की महिमा में है। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर में महिमा चाहे। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर में महिमा चाहे। शांति प्रभु की शांति, जग में सृजन पाए। शांति प्रभु की शांति, जग में सृजन पाए। महिमा प्रभु की महिमा, स्वर में महिमा चाहे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि हम अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहे। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ पद संख्या 24 से अध्याय 24 पद संख्या 3-8 तक। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम इसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे इस वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर इकट्ठे कर दिए। उसने इज़राइली नवयुवकों को आदेश दिया कि वह होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा दिया और आधा वेदी पर छिड़क दिया। उसने विधान की पुस्तक ली और उसने लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उनके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया
और उसे लोगों पर छिड़काते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उस सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए ठहराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 11 से 15 तक। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार कर किया जो यहूदियों के तंबू से महान और श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की रक्त अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता और
उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि इसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिन्हें उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की वाणी, ओ सुनो, ओ सुनो प्रभु की वाणी, ओ सुनो। हालेलुया, 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 जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें। यीशु ने दो शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूँ, और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया
और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दास का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, आज के पाठों में, तीनों पाठ में एक वाक्य बार बार दोहराती है, एक वाक्य बार बार आता है। थोड़ा सा फर्क है शब्दों में, लेकिन उसका अर्थ और जो सिंबल है वही एक है। प्रभु ने निर्गमन ग्रंथ पहले पाठ में आपने सुना है, हमारे यूथ ने पढ़े हैं, तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का दिया। आधा रक्त वेदी पर छिड़का दिया और विधान की पुस्तक ली और लोगों को पढ़ सुनाया। तो रक्त छिड़का कर वेदी के ऊपर रक्त छिड़का कर लोगों को सुनाया और लोगों ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनो। प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। ये दो बार आज के पहले पाठ में दोहराया गया। प्रभु ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। आमीन हम बोलते हैं। आमीन का मतलब हम पालन करेंगे। यस, वी ओबे, वी विल फॉलो। दो बार आज के दूसरे पार्ट में इब्रानियों के नाम के पत्र से, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों को नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और उस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। ये बलिदान प्रभु यीशु का है। उसने अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। देखो फर्क है थोड़ी सी वाक्यों में, लेकिन एक जबरदस्त लाइन, प्रभु का रक्त, प्रभु का रक्त इस वेदी पर। आज के सुसमाचार में मार्कुस के 14वां पाठ में हम सुनते हैं, तो अपने शिष्यों रोटी लिया और अपने शिष्यों को दिया, ले लो ये मेरा शरीर है। तब प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसने कहा, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है।
प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, आपके घरों में वेदी है, ऑल्टर में जरूर क्रूस है, क्रूसिफिक्स है, क्रूस है, और उस क्रूस में जब हम प्रभु यीशु का शरीर देखते हैं तो पांच घाव दिखते हैं, हाथों में, बगल में और पांवों में, पांच घाव। लेकिन जब उस सैनिक ने बाला लेके प्रभु यीशु के बगल को छेदित किया तो उस हृदय से भय निकला, पानी और रक्त। ये वेदी, इसलिए आप देखते हो जैसे पुरोहित अपने वेस्टमेंट पहन के यहाँ इस वेदी पर आते हैं, क्वायर प्रवेश गीत गाते हैं, वो सबसे पहले वेदी का चुंबन करते हैं। ये कलवरी है वेदी का, ये वेदी कलवरी है जहां प्रभु यीशु ने अपना शरीर और रक्त बहाया है। इसलिए हम इसको सजाते हैं, पवित्र है, और हम इसकी चुंबन करते हैं। ये कलवरी है। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, मैं इसी को एक जीवन के उदाहरण से देना, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम सब परिवारों में, आपके बीच में परिवार में आप लोग हैं, शायद परिवार के साथ आप इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं आत्मिक रूप से, आपके परिवार में माँ है। यहाँ पर इस गिरजाघर में भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भी माँ हैं, और माँ से हमने जन्म लिया, माँ ने हमें जन्म दिया, और जब हमारा जन्म हुआ हमें तो पता नहीं, लेकिन माँ को पता है, नर्स को पता है, डॉक्टर को पता है, यदि कभी कभी कॉम्प्लिकेशन बर्थ होता है, थोड़ा कठिनाई होता है माँ को जन्म देने में, कभी 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 बच्चा जन्म लेता है, लेकिन जब वो बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से आता है, तो वे माँ के खून और पानी से लिपटा हुआ है। हम सब ऐसे आए, हमें तो पता नहीं लेकिन हम लोग जानते हैं, हम माँ के खून और पानी से लिपटे हुए हम आते हैं। वो जीवन है, माँ के खून और पानी ने हमें जीवन दिया जब हम माँ के गर्भ में थे। इसलिए जब वो बच्चा जन्म लेता है, माँ उसे दूध पिलाती है, उस बच्चे के लिए उस समय वो दूध माँ की रक्त है, इसलिए वो बच्चा जी रहा है, वो दूध माँ के रक्त के बराबर है। मैंने ये दैनिक जीवन का उदाहरण दिया क्योंकि आज हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं। शरीर और रक्त, द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस, और हमें पहचानना है जब रक्त बहाया गया है हमारे लिए, माँ ने हमें इस पानी और रक्त से हमें जीवन दिया, ये एक सेक्रीफाइस है, एक बलिदान है। माँ उस समय दर्द में है लेकिन उसका पूरा ध्यान उस बच्चे जो आने वाले पर है, और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, माँ हम देखते हैं कभी कभी पिक्चर्स में, उसके चेहरे में जब नर्स बच्चे को माँ के हाथ में देते हैं जिसमें वो खून और पानी से लिपटा हुआ है, उसको
पहुंचा दिया। माँ की मुस्कुराहट, दर्द खत्म, दर्द भूल गई वो माँ। उस समय वो माँ ने सब कुछ दिया और बच्चे को देखकर माँ के हृदय खिल उठा प्यार से। तो इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, जैसे बच्चे को माँ के गर्भ में और जब वो बच्चा जन्म लेता है माँ के खून से वो जीता है, इसी तरीके से हम लोग भी वेदी के पास जब आते हैं और हर मिस्सा बलिदान में हमें ये कलवरी का जो बलिदान हुआ है इस वेदी पर, इस रोटी और दाक्रस द्वारा प्रभु ने कहा, रोटी लेकर प्रभु ने कहा, रोटी लेकर ये मेरा शरीर है। फिर उन्होंने प्याला उठाया और कहा इसे पियो, जैसे माँ अपने बच्चे को पिलाती है, ये मेरा रक्त है, ये मेरा शरीर जो तोड़ा गया, माँ का शरीर भी तोड़ा जाता है उस समय, और ये रक्त का प्याला इससे पियो। प्रिय भाई बहनों, पूरे मिस्सा में आप आज के यूकरिस्तीय प्रार्थनाओं पर ध्यान देना, हर जगह पर हमें याद आएगी, याद दिलाए जा रहे कि ये बलिदान क्या है जो हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा ये रोटी इस प्याला से के ऊपर उठाई जाती है, ये रोटी जो इस प्याले के ऊपर उठाई जाती है इसकी रोशनी से तुम अपने जीवन को देखोगे और पहचानोगे। इस रोटी जो इस प्याले के ऊपर से उठाई गई है इसकी रोशनी बताएगी तुम्हारा जीवन कैसा है, कैसा है मेरा जीवन और आपका जीवन। सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब एकदम बिजली कट हो जाता है रात को हम टॉर्च ढूंढते हैं, टॉर्च की रोशनी से हमें पता लगता है हम कहाँ हैं और वो कहाँ है और घर में क्या हो रहा है, टॉर्च की रोशनी से। इस रोटी की रोशनी से हमें भी पता लगता है कि मेरा जीवन कैसा है, मेरे व्यवहार कैसे हैं, मेरे शब्द कैसे हैं, ये हम पहचान सकते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं हमारे गिरजाघर में सुबह शाम 9 बजे रात तक लोग आते हैं, जवान लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं और परम प्रसाद की आराधना होती है सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। कैसे वो बिना शब्द बोले, हाथ जोड़ते हुए, घुटने टेकते हुए रोटी को देखते हैं, परम प्रसाद को देखते हैं यूकरिस्ट में। जैसे आप लोग थोड़ी समय पहले यहाँ पर एडोरेशन किया, रोटी की आराधना की, पवित्र रोटी, पवित्र सैक्रमेंट, इसके सामने हम क्या बोल सकते हैं, कैसे क्या क्या बोलें, क्या बोलेंगे। हम जानते हैं कि हमारी इच्छा है एक अच्छे जीवन बिताने के लिए, इसलिए प्रभु यीशु ने मिस्सा बलिदान में रोटी और दाक्रस देते समय कहा इसे मेरी स्मृति में किया करो, डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी, इसे
मेरी स्मृति में किया करो। जब बच्चा माँ का दूध पीता है, माँ का शरीर उस बच्चे में है। जब हम इस सैक्रमेंट को ग्रहण करते हैं, हम में प्रभु यीशु आते हैं। ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त हम ग्रहण करते हैं। इसलिए किसी ने कहा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। हम भी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जब हमने इस प्रभु यीशु को ग्रहण किया, और आज के दूसरे पाठ में आपने सुना है, बड़े सुंदर तरीके से आपने सुना है, आप लोग अन्य सभी संतों के साथ, वो पेज थोड़ा पलट गया, मगर पवित्र हृदय के पर्व पर ये पाठ आप सुनेंगे, आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ लो, समझो। ये प्रभु की लंबाई, प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ लो। इसलिए यदि मैं इस सैक्रमेंट में आत्मिक रूप में, आजकल आप लोग आत्मिक रूप से परम प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, और हम जो थोड़े से भाई बहन यहाँ पर हैं इस वेदी पर, हम लोग इस संस्कार को, इस रोटी के द्वारा प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। अब मुझ में, मैं प्रभु यीशु बन जाता हूँ, मैं प्रभु यीशु में बन जाता हूँ, मैं प्रभु जैसे बन जाता हूँ, क्योंकि उसका शरीर मुझ में आए और मैं उनका शरीर में एक बन गया। जैसे बच्चे में माँ का शरीर आ जाता है। तो हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस मिसा बलिदान में। हम कहते हैं और प्रार्थना करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इच्छा, हमारे विचार अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं बनना रहना चाहता है, अच्छे रहना चाहता है, लेकिन हम कभी कभी कमजोरी में, लापरवाही से कभी कभी ऐसे बातें आ जाते हैं हमारे जीवन में कि हम एकदम कभी कभी पलट जाते हैं। आपको अनुभव है, आपको अनुभव है, कोई हम में ऐसा संत नहीं है। हम लोग जानते हैं क्या क्या चुनौती, क्या क्या हमारे जीवन में आते हैं। कभी कभी हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं कमज़ोर, इसलिए हम पाप स्वीकार में जाते हैं एक नया जीवन के लिए। और इसलिए हम यहाँ पर इस वेदी के पास आए हैं, और आप लोग अपने घरों के वेदी के पास हैं। हमें, हम दुआ करेंगे, हे प्रभु, इस दुनिया में ये वायरस दूर हो जाए, हम चंगे हो जाए, जो भाई बहन वेंटिलेटर में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, आईसीयू में हैं, घरों में हैं, सांस के लिए तड़प रहे हैं, हे प्रभु इन्हें चंगा कर दे। और हे प्रभु, जैसे आराधना में हमने सुना है, हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, क्योंकि मेरा कलंक है मुझ में, इसे धो डाल। मेरा कभी कभी जीवन में अंधापन है, मैं कभी कभी कुछ बोलता हूं, करता हूं अंधे जैसे, सोचता नहीं, अंधापन है मुझ में, हे प्रभु इसे दूर कर। मेरी गरीबी को समृद्ध कर, और मेरी नंगता को ढक दे, ताकि मैं स्वर्गदूतों के साथ मिलकर इस रोटी को ग्रहण करूं। ये हमारी प्रार्थना हो सकता है। इसलिए संत पापा ने कहा है,
हम जो इस वेदी के पास आए हैं ये संतों के लिए नहीं है, ये हम कमजोर बीमार व्यक्तियों के लिए है ये रोटी। जब आप बीमार हो जाते हो आप दवाई लेते हो, विटामिन्स लेते हो, अच्छा खुराक लेते हो ताकि आपका शरीर और अच्छे हो जाए, ठीक हो जाए, आप तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ हो। हम लोग जानते हैं कि दुनिया की भागदौड़ में, दुनिया की चीज़ों में हम कमज़ोर हो गए, हमें प्रभु यीशु की ज़रूरत है। ये मेरा शरीर, ये मेरा रक्त, ये हमारे लिए एक परिवर्तन लाएगी। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें इस मिसा बलिदान में। हम जो यहाँ पर हैं और जो आप लोग अपने अपने घरों में, समुदाय में, या कभी कभी कोई कोई अकेले भी हैं घर में, हम लोग हाथ जोड़ के प्रभु की ओर नज़र रखें और दुआ करें, हे प्रभु हमारे लिए तू यही एक दवाई है इस जीवन में, इस संसार में, हम सब के लिए। यू आर द वन मेडिसिन फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। इधर इधर हम लोग सोच रहे हैं, हमें प्रभु यीशु जो जीवन है, जो मार्ग है, जो सत्य है, और हम याद करें हमने उन्हें ग्रहण किया है, अभी हमें उसका प्यार प्रकट करना है। वो बच्चा माँ और पिता का जो गुण उसमें है जन्म पर, वो माँ और पिता का अच्छे गुण उसे भी अपने जीवन में प्रकट करना है। उसको जीवन मिला है उसे भी उसे अर्पित करना है। जैसे हमें मिला है वैसे ही हमें इस जीवन में एक दूसरे को बांटना है। आइए प्रार्थना करें, हम खड़े हो जाए। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों को न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, हम में से प्रत्येक विश्वासी यीशु के शरीर को खाने और उनके रक्त का पान करने के लिए बुलाए गए हैं। ये पवित्र यूकरिस्ट हमारे लिए ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में जीने के लिए अत्यंत साधन सिद्ध हो, इसके लिए तथा अपने अन्य आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह के अनुष्ठान के द्वारा सभी विश्वासियों को ईश्वर के पास ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी नव युवक नव युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय बुलाहट को सुन और पहचान सकें और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर में फैले मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह में श्रद्धापूर्वक
सम्मिलित होकर इस वचन का सार्थक रूप से प्रचार करें और विश्वासियों को परम प्रसाद संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु के पास ला सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जहाँ तक संभव हो सके वे नित्य युग क्रिस्तीय समारोह में भाग लेने की कोशिश करें और क्रिस्त में आत्मिक आहार प्राप्त करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र युग क्रिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण कर हम आत्मिक रूप से पुष्ट हो जाएं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएं और सच्चे आनंद का अनुभव करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आपके हृदय में किसी किसी भाई बहन को आप याद करते हो, कई कारण से आपको मैसेज भेजें, इस आवश्यकता के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। इन भाई बहनों को हम याद करते हैं, ये निवेदन जो हमने अभी प्रकट किए हैं इनके साथ ये निवेदन हम जोड़ते हैं। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए हमें तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अंतिम बोझ के दौरान पवित्र युक्रिस्त की स्थापना की और इसे अपनी स्मृति में करने का आदेश दिया। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अंगूरी दाग फलों की फल हमारे श्रम का चिन्ह हमारे प्रेम का, स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का, स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की अंगूरी दाग फलों की फल हमारे श्रम का चिन्ह हमारे प्रेम का, स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। जगत के सृजन हार की रोटी कर तू स्वीकार, मानव मन का फल पृथ्वी का ये दान बन जाए जीवन पोषण, सारे जगत के सृजन हार गेहूं की रोटी कर तू स्वीकार, मानव मेहनत का फल पृथ्वी का ये दान बन जाए जीवन पोषण, स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की अंगूरी दाग फलों की फल हमारे श्रम का चिन्ह हमारे प्रेम का, स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का।
रथ के छह जनहार रसदा फलों का है तो श्रृंगार मानव मेहनत का फल पृथ्वी का ये दान बन जाए जीवन जीवन सारे जगत के छह जनहार रसदा फलों का है तो श्रृंगार मानव मेहनत का फल पृथ्वी का ये दान बन जाए जीवन जीवन स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की अंगूरी दाग फलों की फल हमारे श्रम का चिन्ह हमारे प्रेम का स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। भाइयों बहनों हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। भाइयों और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक है अपनी कलीसिया के इन वरदानों से भरपूर कर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित जिन्होंने चिरस्थाई बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा ये आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाए करें हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं इसलिए दूतों और महादूतों सिंहासन और साम्राज्य स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते रहे। Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Pavitra, Pavitra, पवित्र परमेश्वर परिपूरित है अब नियंबर पवित्र 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 परमेश्वर परिपूरित है अब नियंबर तेरी महिमा गरिमा से जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी ओ साना ओ साना ओ साना ओ
होसाना होसाना होसाना। हैं वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में, धन है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में, स्तुति हम करते प्रभु की सदा, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय जय हो तेरी, हो साना हो साना हो साना हो साना, हो साना हो साना हो साना हो साना, हो साना हो साना हो साना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है, हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांति के बाद भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, हे विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, सदा पुनरुद्धार द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे
प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पल्लोल सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा और इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और द्वीय शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर हो और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमें। आमें। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। विचार का दंड का कारण ना बने,
बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए और रक्त मेरी रक्षा करता रहे। रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, यह मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीजों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रहने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना। स्वर्ग तो उतर आ
जीवन दी रोटी मैं ही हाँ, स्वर्ग तो उतर आया करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हम द्विय जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परम प्रसाद परम आनंद से सदा परिपूर्ण होते रहे। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे यदि परम दयालु कुवारी मरियम, याद करके कभी सुनने में नहीं आया कि कोई भी तेरी मदद मांगने और तेरे विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो,
हे कुवारियों की कुवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ा उड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। संत योसेफ से प्रार्थना। प्रणाम। हे मुक्तिदाता के रक्षक और धन्य कुमारी मरियम के वर, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया, तेरे साथ रहकर क्रिस्त मनुष्य बना। हे धन्य योसेफ, हमारे लिए भी तू एक पिता बनकर जीवन की राह में हमारी अगुवाई कर, हमारे लिए अनुग्रह दया एवं साहस हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत देव सहायम, हमारे लिए प्रार्थना कर। फादर रेमंड बाद में अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन आखिरी गीत के पहले हम हमारे प्रिय सिस्टर जन SABS सिस्टर्स अडोरर्स ऑफ द ब्लेसेड सैक्रमेंट, आज हमारे सिस्टरों का फीस्ट डे है और इतवार के बाद इतवार और मई महीने में हर दिन जब हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, ये सिस्टर लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और मदद किए। और हमारे SABS सिस्टर्स जो फीस्ट मना रहे हैं आज, वे इस पैरिश में हैं और नरवाना पैरिश में हैं और सुंदर नगर, वहाँ तीन जगहों में ये SABS सिस्टर्स हमारे डायसिस में सेवा कर रहे हैं। सो हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। और बाद में सिस्टर लोग का कोई सरप्राइज है क्वायर के लिए। चलो आखिरी गीत गाएंगे हम। धन्य कहते हैं हम, धन्य कहते हैं हम, आशीष बरसाई तूने हम सब लोगों पर। धन्य कहते हैं हम, धन्य कहते हैं हम, आशीष बरसाई तूने हम सब लोगों पर। हमारे सुख दुख में तू ही संचले प्रभु जीवन की इस राह में। तू रहा सदा साथी हमारे सुख दुख में, तू ही संचले प्रभु जीवन की इस राह में। धन्य कहते हैं हम, धन्य कहते हैं हम, आशीष बरसाई तूने हम सब लोगों पर। तू ही है प्रभु हमारा मार्ग सत्य और जीवन, तेरे सिवा और जाए कहाँ हम, नहीं कोई और दूजा है। तू ही है प्रभु हमारा मार्ग सत्य और जीवन, तेरे सिवा और जाए कहाँ हम, नहीं कोई और दूजा है। धन्य कहते हैं हम, धन्य कहते हैं, आशीष बरसाई तूने हम सब लोगों पर।
जग के कोने कोने में तेरी महिमा गाएंगे। तू ही है तारणहार सबको बताएंगे, जग के कोने कोने में तेरी महिमा गाएंगे। तू ही है तारणहार सबको बताएंगे। धन्य कहते हैं हम, धन्य कहते हैं हम, आशीष बरसाई तूने हम सब लोगों पर, आशीष बरसाई तूने हम सब लोगों पर, आशीष बरसाई तूने हम सब लोगों पर।